Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about did nothing but, use of did nothing but. And today I am going to teach you about the use of started and began in the past indefinite tense. I have already taught you in the present indefinite tense the uses of start and begin. And today I will teach you in the past indefinite tense that how to use the start and begin in the past indefinite tense. And kis tarah ke sentences ke liye hum begin aur start ka istemal past indefinite tense mein karte hain. To chaliye aaj ka class shuru karte hain. Let's start the class of the day. फ्रेंड्स, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि बिगिन और स्टार्ट का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. तो हम आज पास्ट इंडेफिनिट में हम बिगिन और स्टार्ट का इस्तेमाल सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, कम जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि वह हंसने लगता है, वह गाली देने लगता है, मैं नाचने लगता हूँ. मीन्स इस तरह का अगर सेंटेंस आए तो उसमें हम स्टार्ट और बिगिन का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसी सेंटेंस का हम पास्ट करके बनाएंगे. जैसे वह स्कूल जाने लगा, वह स्कूल जाने लगा. सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, वह स्कूल जाने लगता है, वह हंसने लगा, वह हंसने लगता है, सेम चीज है. समझने कोई भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस टॉपिक को समझा होगा. तो वह स्कूल जाने लगा मीन्स ही स्टार्टेड टू गो टू स्कूल. ठीक है फ्रेंड्स, या ही began to go to school. सिंपल है. और मैंने आपको, अगर आपको आपने देखा होगा वीडियो तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अगर हम यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर अगर हम टू नहीं लगाएंगे तो इस वर्ब के साथ आई एन जी लग जाएगा. जैसे ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. वेरी सिंपल. ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बिगेन में भी ही बिगेन, अगर टू नहीं लगाया हमने तो गोइंग टू स्कूल. आप ये इतना याद रखना कि इसमें हमने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया है तो इसमें आई एन जी नहीं लगता. जिसमें हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे टू का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो उसमें हम आई एन जी लगा कर बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा सेंटेंस लेते हैं. मैं नाचने लगा, मैं नाचने लगा मतलब कहीं पर म्यूजिक बज रही थी, मैंने सुना और सुन के नाचने लगा. इस तरह से तो आई स्टार्टेड टू डांस, आई स्टार्टेड टू डांस. या हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि आई स्टार्टेड डांसिंग. सिंपल. और इसी तरह से बिगिन में भी यही फॉर्मूला लागू होगा, बिगिन का भी इस तरह से बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेगेटिव. राजू नहीं हंसने लगा, मतलब कोई बोल रहा है कि वो यार वो हंसने, मुझे देखकर हंसने लगा, तो बोला नहीं नहीं वो नहीं हंसने लगा. इस तरह से तो राजू did not start to laugh. अब यहाँ पर हमने did लगाया इसलिए यहाँ पर हम started नहीं लिखेंगे, सिर्फ start लिखेंगे. इसी तरह से begin के साथ भी इस लागू होगा यही नियम. राजू did
not begin to laugh. ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह से अगर हम टू नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर लाफिंग हो जाएगा. जैसे राजू डिड नॉट स्टार्ट लाफिंग, राजू डिड नॉट बिगिन लाफिंग, अगर हम टू नहीं लगाते हैं तो. अब इंटरोगेटिव, क्या तुम उसे गाली देने लगे? क्या तुम उसे गाली देने लगे? तो डिड यू स्टार्ट टू अब्यूज हिम, या डिड यू स्टार्ट अब्यूजिंग हिम? ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम क्या तुम उसे गाली नहीं देने लगे, अगर इस तरह का हम नेगेटिव इसमें अगर शामिल कर देते हैं तो डिडंट यू स्टार्ट टू अब्यूज हिम, या डिडंट यू स्टार्ट अब्यूजिंग हिम, या जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा. जैसे डिड यू नॉट स्टार्ट टू अब्यूज हिम, या डिड यू नॉट स्टार्ट अब्यूजिंग हिम. ठीक है फ्रेंड, तभी हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे इसमें, इसी तरह के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड लेंगे. तुम क्यों हंसने लगे? तुम क्यों हंसने लगे? तो व्हाई डिड यू बिगिन टू लाफ? व्हाई डिड यू बिगिन टू लाफ? तुम्हारे पिताजी, मैं थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस ले रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए कि लंबे सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे. तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों पीटने लगे? ठीक है, तो व्हाई डिड योर फादर स्टार्ट टू बीट यू? स्टार्ट टू बीट यू, ठीक है फ्रेंड्स. कौन हंसने लगा? कौन हंसने लगा? तो यहां पर हु स्टार्टेड टू लाफ, यहां पर कौन हंसने लगा, कौन इज द सब्जेक्ट, इसलिए हम हु के साथ डिड नहीं लगाएंगे. हु डिड स्टार्टेड टू लाफ, ऐसा हम नहीं बोलेंगे. हु स्टार्टेड टू लाफ, जैसे मैंने प्रेजेंट एंड इन्फिनिटिव में आपको बताया था ना कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू, और तुम किसको पढ़ाते हो, तो हु डू यू टीच, ऐसा होगा. ठीक वैसे ही इसमें भी होगा कि कौन हंसने लगा, तो हु स्टार्टेड टू लाफ, या हु बिगेन टू लाफ. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, कि स्टार्ट और बिगिन का इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं, और किस टाइप की सेंटेंसेस के लिए, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम स्टार्ट और बिगिन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद.